नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप हमारे पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं, योग शक्ति पत्रिका का योग शक्ति, बेसिकली हम आज योग दिवस पे बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और इस बार विश्व योग दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसका जो थीम है वो वसुधा कुटुंबकम है। और इसके संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, उमेश शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। उमेश शर्मा जी के बारे में परिचय देने का, आप योग विशेषज्ञ हैं और जयपुर में आप योगस्थली योग संस्थान के संस्थापक हैं और आपको करीब 17 वर्षों का अनुभव है। और आप अपने देश के लोगों को तो योग सिखाते हैं, विदेशों में भी आप लोगों को योग सिखाते हैं। तो सर, योग दिवस पे सबसे पहले आपको बहुत बधाई और देशवासियों को भी योग दिवस की बहुत सारी बधाई है। सर, इस बार जो योग दिवस का जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम, तो इसका अर्थ क्या है, हमारे दर्शकों को समझाएं। सबसे पहले तो आप सभी को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस बार का जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम, और ये बहुत ही सार्थक और उपयुक्त थीम है आज के समय के लिए, क्योंकि योग में ही एक ऐसी शक्ति है जो पूरे विश्व को एकजुट कर सकती है या मिला सकती है, जोड़ सकती है। जैसा कि योग का शाब्दिक अर्थ ही होता है जोड़ना, तो जिस तरह से कुटुंब मतलब परिवार के लोग जब आपस में मिलके रहते हैं तो उसको हम कुटुंब बोलते हैं। और आज विश्व में भी आपस में मिलकर के रहने की ही सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होगा हमें हमारे धर्म, जाति, पाति और क्षेत्रवाद से ऊंचा उठकर के योग को अपनाने की, क्योंकि योग ही एकमात्र ऐसी विधा है या शक्ति है जिससे कि ये पूरा विश्व एक साथ एकजुट होकर के वसुधैव कुटुंबकम का जो ये थीम है उसे सार्थक कर सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर छोटे छोटे अगर सेंटेंस में या शब्दों में कहा जाए तो योग करना क्यों चाहिए? देखिए, योग आज हर इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है। क्यों करना चाहिए? क्योंकि योग एक जीवन शैली है। योग किसी एक्सरसाइज या किसी एक आसन का नाम नहीं है। तो आज योग से जीवन में आनंद भरा जा सकता है, योग से जीवन में एक उत्साह भरा जा सकता है, योग से जीवन में बल भरा जा सकता है। और कहा भी जाता है कि योग से बड़ा कोई बल नहीं होता है। इसलिए इस जीवन में जितने भी चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, हो सकता है कि पैसों से आप कुछ चीज़ें खरीद सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। तो हमारे सामने जितने भी चैलेंजेस आते हैं उनसे लड़ने की ताकत यदि हमें कोई चीज़ देती है तो योग देती है। तो इसी वजह से हमें योग की आवश्यकता है। शारीरिक रूप से तो है ही है, लेकिन मानसिक रूप से, मानसिक बल को भी यदि हमें चाहिए कि हमें मानसिक रूप से भी हम स्ट्रांग बने, तो हमें योग की ही सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। जी अच्छा, आज जिस तरह की दिनचर्या है, भाग दौड़ है, लोग अब इतने शरीर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनकी ज़रूरतें भी कुछ ऐसी हैं कि जिसमें उसके चाहते हुए भी ना ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे में किस तरह की जो लाइफस्टाइल जरूरी जो समस्याएं हैं जिससे जिसमें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या दूसरी बीमारी है, इसमें योग कैसे मददगार साबित हो सकता है? देखिए, लाइफस्टाइल तो आज इंसान को जब सोना चाहिए तब वो जाग रहा है और जब जागना चाहिए तब वो सो रहा है, तो पूरा लाइफस्टाइल उसका उल्टा पुल्टा हो चुका है। और योग एक लाइफस्टाइल ही है। योग हमें ये सिखाता है कि जब आप सुबह अपना बिस्तर छोड़ते हैं और रात को जब आप बिस्तर पर जाते हैं, तब से लेकर आपको पूरा दिन भर दिनचर्या आखिर करनी कैसी है, कब आपको खाना है, कब आपको सोना है, कब आपको जागना है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा भी है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुःखः। तो युक्तिपूर्वक अपना जीवन कैसे जीना है यही हमें योग बताता है। तो आज जो हमारा जीवन है या दिनचर्या जिसे हम कहते हैं, पूरी तरह से अव्यवस्थित हो चुकी है। तो योग के लिए जब इंसान सुबह जल्दी उठना शुरू करता है तो अपने आप ये कुछ दिनों में उसका जो जीवन है या यों कहें कि जो दिनचर्या अपना भी ढलना शुरू हो जाती है। तो सुबह से उठ कर के शाम तक या रात तक जो वो करता है, वो योग एक ऐसी उसको टाइम टेबल दे सकता है, एक हेल्दी टाइम टेबल दे सकता है, जिसकी वजह से उसका जीवन एक सुसज्जित हो सकता है। जी अच्छा, सामान्य लोगों की बात करें तो कौन कौन से लोग योग करें या प्राणायाम करें ताकि वो स्वस्थ रह सकते हैं? देखिए, सामान्य हो या असामान्य हो, योग की सबसे बड़ी और सबसे खास बात ये कि उसको हर इंसान, हर उम्र का बच्चा भी, बुजुर्ग भी,
कोई भी इंसान हो वो अपना सकता है, क्योंकि योग में इजी और हार्ड कुछ भी नहीं है। योग में एक जीवन को या जीवन शैली को अपनाने की एक व्यवस्था का नाम है योग। योग किसी एक्सरसाइज का नाम नहीं है, योग एक जीवन शैली का नाम है, योग एक लाइफस्टाइल है। तो हम सुबह उठ करके यदि सूक्ष्म व्यायाम से भी अपने दिन को शुरू करें तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमारी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी लेवल है वो थोड़ा सा इम्प्रूव होगा, और आपका इंटरेस्ट वैसे ही धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक्सरसाइज जैसे जैसे आप आसनों का अभ्यास करेंगे वैसे वैसे उस तरफ और बढ़ता जाएगा। तो सूक्ष्म व्यायाम मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जरूरी और सबसे ज़्यादा ईजी एक्टिविटी है, जिससे शुरू करके हम हमारे दिन की शुरुआत कर सकते हैं। और उसके बाद में तो आसन है, प्राणायाम है, सूर्य नमस्कार है, इसका अभ्यास भी करके हम एक अच्छी दिनचर्या की शुरुआत कर सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा एक स्टार्ट दे सकते हैं अपने दिन को। जी, हमारे दर्शकों को कुछ सूक्ष्म व्यायाम आप दिखवा सकते हैं? तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। अब हम सूक्ष्म व्यायाम की यदि हम बात करें तो जिसे हम सबसे पहले करेंगे वो है हमारी नेक रोटेशन, जिसे हम ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया भी बोलते हैं। इसके लिए हम खड़े होकर के अपने दोनों पाओ के बीच में लगभग शोल्डर जितना जो गैप है वो रखते हैं, कंधों जितना गैप रख करके हाथों को कमर पे रखेंगे और हमारी चिन को सबसे पहले हम नीचे चेस्ट के पास लगाएंगे और धीरे धीरे सांस को लेते हुए लेफ्ट साइड से हम गर्दन को ऊपर उठाना शुरू करेंगे और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे लाना शुरू करेंगे। ऐसा आप रोटेट कर सकते हैं गर्दन को, लेकिन जिन्हें सर्वाइकल पेन है या जिन्हें किसी तरह का वर्टिगो की प्रॉब्लम है, जिन्हें चक्कर आते हैं, तो उनको पूरा सर्कल नहीं लेना, उनको हाफ सर्कल लेना है। तो 5 बार आप लेफ्ट टू राइट करेंगे और 5 बार राइट टू लेफ्ट कीजिए, तो इससे आपकी जो जकड़न है गर्दन की वो दूर होगी। इसका अभ्यास आप देख सकते हैं हमारी ट्रेन प्रशिक्षिका ज्योति शर्मा के द्वारा। इसके बाद में हम दोनों हाथों को सीधा आगे रख करके हमारी मुट्ठी को बंद करके हम रिस्ट को रोटेट करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से रिस्ट को रोटेट करना है और ऐसे ही आपको रिस्ट को घुमाना है। ये भी आपके जो रिस्ट की जकड़न है या स्टिफनेस आपके जॉइंट्स की, सूक्ष्म व्यायाम का मतलब है हमारी जॉइंट्स की जो मोबिलिटी है उसको इम्प्रूव किया जाता है सूक्ष्म व्यायाम से। तो इसको भी आप 5 बार लेफ्ट में घुमाएंगे और 5 बार राइट में घुमाएंगे। इसके बाद में हमारा जो एंकल जॉइंट है उसको भी आप हाथों को कमर पे रख करके, तीसरा हमारी सूक्ष्म व्यायाम में आता है या वार्म अप एक्सरसाइज भी बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में। रिस्ट को रोटेट करने के बाद में हम एंकल को रोटेट करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं हाथ को कमर पे रख करके पहले राइट लेग या लेफ्ट लेग से भी शुरू कर सकते हैं। 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है इसको। इसके बाद में पांव को चेंज करना है। और धीरे धीरे इसका अभ्यास हम करेंगे। तो ये जो मेन हमारे बॉडी के मुख्य जॉइंट्स हैं उनकी मोबिलिटी को बढ़ाया जाता है सूक्ष्म व्यायाम। वैसे तो बहुत सारे सूक्ष्म व्यायाम हैं, इसका अभ्यास आप करके अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं सुबह सुबह, क्योंकि बॉडी सुबह सुबह बहुत ज्यादा स्टिफ रहती है हमारी। बिल्कुल। अच्छा, सूक्ष्म व्यायाम के बाद से अगर बात करें तो कैसे छोटे छोटे जो आसन होते हैं जो काफी हेल्पफुल होते हैं वो क्या किए जा सकते हैं? देखिए, आसन योग की सबसे बड़ी और खास बात यह है कि आसन को कोई भी इंसान कर सकता है, लेकिन इसके कुछ नियम हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा। पहला नियम यह है कि आपका पेट खाली होना चाहिए और सुबह सुबह करें तो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सुबह की शुरुआत यदि हेल्दी मिल जाती है बॉडी को तो दिन भर हमारा अच्छा और इजी बीतता है, हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं। तो सबसे पहला जो आसन है हमारा खड़े होकर के किए जाने वाले, जिसे पूरी बॉडी स्ट्रेच हो सकती है, जिसका नाम है ताड़ासन। आप अभी, देख सकते हैं। अभी समय हो गया छोटे सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद से हम जो आसन है उसको दिखाएंगे। लाइफ में जीतने के लिए चाहिए प्रैक्टिस, मेहनत और एक सही प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन रमी में भी कुछ ऐसा ही है। प्रैक्टिस और मेहनत तो आप करेंगे, पर सही प्लेटफॉर्म है जंगली रमी। इनके और आपके जैसे 6 करोड़ असली प्लेयर्स जंगली रमी पर डेली रमी की सही चाल चल रहे हैं। आप भी ट्राई कीजिए,
रमी बोले तो जंगली रमी। डाउनलोड दी ऐप नाउ। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे योग पे और योग के हमारे साथ जुड़े हैं युम्मेश शर्मा जी, आप वरिष्ठ योग विशेषज्ञ हैं और उनकी सहयोगी हैं ज्योति जी, जो बता रही हैं कि कैसे योग की शुरुआत करें, दिन से शुरुआत करें और छोटे छोटे आसनों से। उमेश जी आप बताएं। जी, हमारा सबसे पहला जो आसन है वो ताड़ासन है, खड़े रह करके किया जाने वाला आसन, क्योंकि सुबह सुबह जो हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमारी कमर है, वो बहुत ज़्यादा स्टिफ रहती है। तो इसको यदि हम ताड़ासन को करते हैं सुबह उठते ही, या सुबह उठ के भी कर सकते हैं, और तो आपकी बॉडी में जो जकड़न है, आपकी कमर की जकड़न है, वो दूर होती है। आप और कमर दर्द भी बहुत हद तक इस आसन से रिलीफ मिलता है, उसमें भी कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है। तो पाँव को मिला के हम खड़े होंगे इस आसन में और अपने हाथों को सामने से ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे सांस को अंदर भरते हुए पूरा शरीर हमें ऊपर की तरफ खींचना है। ताड़ आसन, जैसा कि नाम से विदित है, ताड़ का मतलब होता है ताड़ का वृक्ष। तो वृक्ष जिस तरह एकदम स्ट्रेट होता है, खड़ा रहता है, वैसी बॉडी को हमें खींच करके खड़े रहना है। और थोड़ा सा एक जगह सामने, एक पॉइंट पर आप फोकस करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो बैलेंस भी आपका बन जाएगा। तो इस तरह से आप 3 से 4 बार रोज सुबह उठ करके इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। और रोकने की जहां तक बात है, वो आप 5 से 7-8 सेकंड तक आप इस आसन को रोक सकते हैं और 5 बार इसका अभ्यास करते ही आप खुद पाएंगे कि आपकी जो कमर दर्द है या जो जकड़न है कमर की सुबह सुबह की, वो दूर हो गई है। ये हमारा पहला आसन है। उसके बाद में दूसरा आसन है हमारा पादहस्तासन। इसको बस कमर दर्द में जो लोग हैं वो ना करें, कमर दर्द में आगे झुकने वाले आसन मना किए जाते हैं। तो इसमें हम अपने पाँव को मिला करके खड़े होंगे और धीरे धीरे सांस को भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस को छोड़ते हुए कमर से ही हम धीरे धीरे हमारी लोअर बैक से हम आगे की तरफ झुकेंगे। ध्यान रहे कमर में पीछे हुक ना बनने पाए, कमर में पीछे गुंबद ना निकलने पाए। तो इसके लिए हम लोअर बैक से बॉडी को आगे की तरफ झुकाते हैं। इसके लिए जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने कभी नहीं किया इस आसन को, तो थोड़ा सा पाँव को खोल करके आगे की तरफ झुकते समय वो अपने पाँव को थोड़ा सा बैंड भी कर सकते हैं ताकि इजीली वो नीचे की तरफ जाएं। स्टार्टिंग में आप, जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आप पाँव को सीधा रखें, थोड़ा सा मोड़ के भी नीचे जा सकते हैं। आप खुद पाएंगे, आप खुद फील करेंगे इस आसन का अभ्यास जब आप करेंगे, तो आपकी हैमस्ट्रिंग, आपके काफ मसल, आपकी लोअर बैक और आपका पेट पूरी तरह से स्ट्रेच हो रहा है। तो कमर की, कमर के लिए और पेट के लिए और आपके पाँव की मसल्स के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अच्छा सर, इसमें बात करते हैं कि श्वास भरते हुए, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाएं कि कब वो श्वास भरें, जो श्वास प्रश्वास की बात करते हैं वो भी थोड़ा दर्शकों को समझाएं। एक बेसिक रूल है, सांस जब हम लेंगे या छोड़ेंगे, कब हमें लेंगे कब हम छोड़ेंगे, बहुत बेसिक रूल है। जब हमारी बॉडी किसी भी आसन में आगे की तरफ झुक रही है तो उस समय, क्योंकि हमारा पेट दब रहा होता है, उस समय आप सांस ले नहीं सकते, तो आप सांस को छोड़ेंगे उस समय। तो जैसे बॉडी किसी भी आसन में आगे जा रही है तो आपको ध्यान रखना है कि आसन में आगे जाते समय आपको सांस को छोड़ना है और नीचे से ऊपर आते समय, क्योंकि हमारी फेफड़े फूलते हैं उस समय, किसी भी आसन में जब हमारी बॉडी नीचे से ऊपर आ रही है, जैसे धनुरासन है, भुजंगासन है, तो उसमें आपको ऊपर की तरफ आते समय सांस को लेना है। तो ये बेसिक रूल है, जब बॉडी ऊपर से नीचे जा रही है तो हमें सांस छोड़ना है क्योंकि पेट आपका दब रहा है, और नीचे से ऊपर आते समय सांस को हमें लेना है। जी जी, बता रहे थे आप आसनों के बारे में। जी जी हाँ, तो अब हमारा जो पादहस्तासन आसन है वो हम करेंगे। एक बार वापस से देख लीजिए, पाँव को मिला करके खड़े होंगे, लंबा गहरा सांस लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे, कमर शरीर बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए हम नीचे की तरफ झुकेंगे, बहुत धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार झुकें। लेकिन ध्यान रहे, जिन लोगों को कमर दर्द रहता है या जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको ये आसन नहीं करना है। यदि करना भी है तो किसी योग
प्रशिक्षक की देखरेख में इस आसन को करना है। लेकिन इस आसन के बहुत सारे फायदे हैं, ब्रेन के लिए भी अच्छा है, आपके आईज के लिए भी अच्छा आसन है, आपके फेस फेशियल मसल्स के लिए भी अच्छा आसन है ये। तो बहुत सारे फायदे हैं इस पादहस्तासन के जी। अब हम सांस को लेते हुए ऊपर आ जाएंगे जी। ऐसा आप 3 से 4-5 बार रोज कर सकते हैं जी। अच्छा सर, अक्सर होता है कि ज्यादातर लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, तो उसमें क्या गलतियां करते हैं जो हमारे दर्शकों को समझा दें ताकि वो उनको लाभ ज्यादा मिले जी। जी देखिए, योग में एक बहुत बेसिक रूल है कि आपको क्या करना है, इस बात से ज्यादा आपको ये पता होना चाहिए आपको क्या नहीं करना है जी। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और आसन, जब भी हम कोई भी आसन करते हैं, सूर्य नमस्कार भी करते हैं, तो हमारी सांस कैसी चल रही है ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे पहला जो पॉइंट है कि सांस आपकी कैसी चल रही है, कब लेना है कब छोड़ना है ये पता होना चाहिए आपको। प्लस आपको दृष्टि, आपको देखना कहाँ पर है, क्योंकि आपका आसन तभी कंप्लीट होगा जब आपकी दृष्टि एक जगह गेज हो जाएगी या एक जगह पॉइंटेड हो जाएगी। तीसरा आसन, आप उस आसन को, तीसरा जो पॉइंट है कि आप उस आसन को रोकें वहां जा करके, हड़बड़ाहट में आसन बिल्कुल ना करें, जोर जबरदस्ती या झटके से आसन बिल्कुल ना करें, या देखा देखी बिल्कुल ना करें, वरना रोग हो जाएगा आपको कोई भी। ओके, सो सबसे पहला हम आप हमारे दर्शकों को आपके माध्यम से सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी कराएंगे, जिसमें आप अपने मैट पर पांव को मिला करके सबसे पहले खड़े होते हैं। सूर्य नमस्कार के बारे में ये कहा जाता है कि सूर्य जो देवता है वो हेल्थ के देवता है, वो हमारे शरीर में हेल्थ को, अच्छी हेल्थ को देते हैं और अच्छे स्वास्थ्य दायी होते हैं। तो इसलिए सूर्य भगवान को हम रोज सुबह जल भी चढ़ाते हैं, रोज सुबह सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी किया जाता है। तो इससे हमारी आयु, बल, बुद्धि और विद्या, तीनों चारों चीजें हमें प्राप्त होती है। तो ये प्राचीन काल से चला आ रहा सूर्य नमस्कार का अभ्यास अब हम करेंगे जी। इसमें सबसे पहला आसन है, दोनों हाथों को हम पांव को मिला करके खड़े होते हैं और हाथों को जोड़ लेते हैं। ये हमारा सबसे पहला आसन है जिसे हम कहते हैं नमस्कार की मुद्रा। सांस लेते हुए नंबर 2 की पोजीशन में हम हाथों को ऊपर उठाएंगे, जिसे हम कहते हैं हस्तोत्तानासन। इसमें देख सकते हैं आप कमर को, जितना आप क्षमता अनुसार अपनी कमर को आप पीछे झुका सकते हैं और रोक सकते हैं। और उसके बाद में सांस को छोड़ते हुए पादहस्तासन में नीचे आएंगे हम, जैसा कि अभी आपको यह आसन बताया गया था पादहस्तासन, जिसमें दोनों हाथ की हथेलियां आपके जमीन पर पांव के दोनों तरफ लगेगी। और नंबर 4 में हम राइट लेग को पीछे ले जाते हैं अश्व संचालन, इसमें हमें सांस लेना है। आप देख सकते हैं आपके हिप जॉइंट्स के लिए, आपके लोअर बैक के लिए बहुत ही अच्छा आसन है अश्व संचालन, जैसा कि हॉर्स राइडिंग नाम से ही हमें विदित होता है कि हॉर्स राइडिंग पोज है। एंड नंबर 5 में हम जाते हैं सीधा प्लैंक पोज में चतुरंगासन, 4 अंग हमारे शरीर की जमीन पे टच है और इसमें आप आसन को, इसमें आप सांस को रोक के रखते हैं। इसमें बॉडी देख सकते हैं बिल्कुल प्लैंक की तरह एकदम सीधी है, न तो बहुत ज्यादा नीचे है न ही बहुत ज्यादा ऊपर है। इसके बाद में हम सांस को छोड़ते हुए अष्टांग प्रणाम, दोनों घुटने, चेस्ट, फोरहेड, दोनों हथेलियां और दोनों पंजे हमारी जमीन से टच होंगे, अष्टांग प्रणाम की अवस्था है ये आसन है, इसको आप रोकेंगे। अब सांस लेते हुए हम भुजंग आसन की पोजीशन में आ जाएंगे, नेवल तक हम बॉडी को ऊपर उठाएंगे। हमारा जो बॉडी है नेवल से ऊपर वाला पार्ट है वो ऊपर उठा रहना चाहिए, बाकी हमारी बॉडी जमीन से नीचे टच रहेगी। भुजंग आसन बहुत ही अच्छा आसन है हमारे चेस्ट के लिए, हमारी कमर के लिए। और यहीं से हम नंबर 8 की पोजीशन में चले जाएंगे जिसका नाम है पर्वत आसन। तो आप देख सकते हैं बॉडी का जो शेप है वो माउंटेन की तरह बन चुका है, पर्वत बना लिया हमने बॉडी से। तो ये आसन दिखने में बहुत आसान दिख रहा है, लेकिन जब आप करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके शरीर की एक एक मसल, एक एक ज्वाइंट स्ट्रेच हो रहा है पर्वत आसन से। आपके शोल्डर्स भी होते हैं, आपकी गर्दन भी होती है, लोअर बैक भी होती है, हिप ज्वाइंट्स भी होते हैं, आपकी काफ मसल और आपके हैमस्ट्रिंग मसल भी स्ट्रेच होती है जी। इसके बाद में हम जो पांव पीछे लेके गए थे अश्व संचालन में, वही पांव आगे लेके आएंगे अश्व संचालन नंबर 9 की पोजीशन। देख सकते हैं किस तरह से आपको हाथ को, दोनों हाथों को पांव के दोनों तरफ रखना है और पांव को हाथों के बीच में रखना है जी। सांस छोड़ते समय हम पांव को आगे लाएंगे पादहस्तासन वापस, और गर्दन को नीचे ले जाके अपने दोनों घुटनों के बीच में अपने फोरहेड को लगा लेंगे, ये हमारा पादहस्तासन है। इसके बाद में नंबर 11 में हम हाथ को जोड़ करके वापस हस्तोत्तानासन करेंगे। देख सकते हैं किस तरह से कमर को
पीछे घुमाना है, पीछे मोड़ना है, कमर की जकड़न दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। और वापस हम नंबर 12 में 12 की पोजीशन वापस हम नमस्कार की मुद्रा में आ जाएंगे। तो ये सूर्य नमस्कार का अभ्यास है, ये एक राउंड है। स्वस्थ रहने के लिए हम क्षमता अनुसार इसका कर सकते हैं अभ्यास, 5 बार 10 बार 12 बार से करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बिल्कुल आपके शरीर के लिए। हेलो डॉक्टर, मैं समय हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद उमेश शर्मा जी के साथ हमारी चर्चा जारी रहेगी और हम बताएंगे कुछ और आसनों के बारे में। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे योग पे। विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ योग विशेषज्ञ उमेश शर्मा जी। आप जयपुर में प्रैक्टिस करते हैं, आप योगस्थली संस्थान के संस्थापक भी हैं। सर, बात कर रहे थे अभी अलग अलग पोस्चर्स की। अभी सबसे ज़्यादा समस्याएं महिलाओं में देखने को मिल रही है, खासकर उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस की बात है। और साथ में बात करें कि अभी हाल में एक रिसर्च आया जिसमें कहा जा रहा है कि 2050 तक 80% लोगों में कमर की समस्याएं हो जाएगी, खासकर कमर दर्द की। तो कुछ ऐसे आसन बताइए ताकि ये हार्मोनल बैलेंस और कमर में जो दर्द या दूसरी समस्याएं हो रही हैं उसमें आराम मिले। जी देखिए, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस आज हर दूसरी महिला को होता है। ये बहुत ही आम प्रॉब्लम हो चुकी है कि किसी भी महिला को, यहाँ तक कि अब तो छोटे छोटे जो गर्ल्स हैं, बच्चियां हैं, नाबालिग बच्चियां हैं 12 साल 14 साल, उनको भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुका है, क्योंकि ना तो उनका खान पान अच्छा है और लिथार्जिक लाइफस्टाइल आज जो बच्चा जी रहा है उसके हम कभी सोचा भी नहीं था और उसकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि बच्चे आज कैसा जीवन जी रहे हैं। तो इस वजह से उसके जो साइड इफेक्ट हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के रूप में। तो हार्मोनल इम्बैलेंस आजकल तो डॉक्टर खुद सजेस्ट करते हैं कि इसका दवाइयों में कोई बड़ा इलाज नहीं है। आप अपनी दिनचर्या को एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी करके योग के माध्यम से उसको सुधार सकते हैं, बहुत हद तक उसे ट्रीट कर सकते हैं। तो योग में बहुत सारे ऐसे आसन हैं, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिससे आपका, आप जिसका अभ्यास करके आप हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या को दूर कर सकते हैं जी। तो पहला आसन जो हमारा इस क्रम में है वो है हमारा जी पश्चिमोत्तानासन। बहुत ही अच्छा आसन है, इससे आप देख सकते हैं, इसका अभ्यास रोज करें। और आपको यदि कुछ भी डाउट है तो आप किसी भी अच्छे योग प्रशिक्षक की देखरेख में इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसमें आप पांव को फैला करके दंडासन में बैठेंगे सबसे पहले, इसे हम दंडासन कहते हैं। पांव को सीधा करके, कमर को सीधा करके बैठेंगे, उसके बाद में सीधा हम सांस को लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे हम आगे की तरफ झुकेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार आप आगे झुकेंगे और इस आसन को आप ज्यादा से ज्यादा रोकेंगे। तो जैसे आप रोकेंगे तो आप पाएंगे कि इंटरनल ऑर्गन्स में एक तरह का जो ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ था वो उस ब्लड सर्कुलेशन को ये आसन फास्ट करता है या सुचारू करता है। तो आपकी जो किडनी है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड है, आपकी जो जेनिटल्स हैं, यूट्रस है, किडनीज हैं, इन सब में एक अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है। प्लस इसके साथ ही साथ आपके जो मेंटल अनस्टेबिलिटी है या मेंटल जो स्ट्रेस है वो भी इस आसन से दूर होता है। और मेंटल स्ट्रेस ही आज हार्मोनल इम्बैलेंस का सबसे बड़ा कारण बन चुका है जी। तो इसका अभ्यास करके आप अपने आप को, मन को भी शांत कर सकते हैं और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको भी आप हेल्दी रख सकते हैं जी। तो सांस को भरते हुए हम ऊपर की तरफ आएंगे और इसका अभ्यास आप 4 से 5 बार रोज कर सकते हैं। नीचे जाने के बाद आप जरूर रोकें इसे ताकि उसका असर ज्यादा हो। दूसरा आसन जो हमारा है वो है गौमुख आसन। बहुत ही अच्छा आसन है, गौमुख जैसे नाम से ही विदित है, हमारे बॉडी का जो, हमारे पाँव का जो शेप है गौ के मुख के समान हो जाता है। इसमें आप पाँव को, घुटनों को बैंड करके एक के ऊपर एक रखते हैं
कमर देखिए अपने आप इसमें सीधी हो जाती जी। उसके बाद में जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर उठाना है आपको, और दूसरे हाथ को पीछे कमर के पीछे ले जा करके पकड़ लेना है आपस में जी। आप इस तरह से मुट्ठी को बंद कर लेंगे और आप देख सकते हैं जो इंटरनल ऑर्गन्स है इस पर बहुत ही अच्छा वर्क करता है यह आसन। आपकी बैक को स्ट्रेट करता है, आपके शोल्डर्स को भी स्ट्रेच करता है, आपके जो इंटरनल आपके हिप जॉइंट्स आपके नी जॉइंट्स ऐसा कोई बॉडी का पार्ट नहीं जिस पर कि आसन असर ना करता हो जी। आपको मेंटली भी शांत रखता है यह आसन। आप देख सकते हैं किस तरह से इस आसन का अभ्यास हमें करते हैं, मन को बिल्कुल शांत और फेशियल मसल्स को बिना तनाव लिए कोई भी आसन का अभ्यास जब आप करते हैं तो आपकी फेशियल मसल्स बिल्कुल रिलैक्स होनी चाहिए, वो स्वाभाविक उस मोड में रहनी चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा तनाव ग्रसित होकर के कोई भी आसन का अभ्यास ना करें। आप मन को प्रसन्न रखें और शांत रहें, यही सबसे बड़ा लाभ का एक सिद्धांत हो सकता है आसन करते समय जी। अच्छा, आपने कमर दर्द के लिए कुछ आसन की बात कर रहे थे कि कमर दर्द में कौन कौन से, अच्छा लोग गलतियां क्या करते हैं वो भी थोड़ा बताते रहे हमारे दर्शकों, क्योंकि होता क्या है कि देखा देखिए जैसे आपने कहा उन्होंने शुरू कर दिया और पता चला बीमारी और बढ़ गई। जी जी जी, देखिए देखा देखी करे योग बुझे काया बड़े रोग, तो ये वाली बात हो जाएगी। तो देखा देखी तो हमें कोई करना नहीं, क्योंकि हमें ही एक भगवान ने हमें अपने आप में ही यूनिक बनाया है, ये सोच करके आपको जीवन जीना होगा जी। किसी का भी हमें फॉलोअर नहीं बनना है, ये मानिए आपको फॉलो करे लोग ऐसा बनना है आपको। योग हमें यही सिखाता है कि आप यूनिक हैं, जैसे भी हैं यूनिक है, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। तो हम आप अब जो करेंगे वो करेंगे बैक की प्रॉब्लम के लिए या बैक की जो पेन है जिसकी पेशेंट सबसे ज्यादा हमारे पास में आते हैं, और आज डॉक्टर्स भी ये मान चुके हैं कि बैक की समस्या के लिए दवाई बहुत ही लिमिटेड असर करती है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकती है वो कई तरह के जो आसन है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। तो पहला आसन हमारा है मारझारी आसन, कैट एंड कैमल पोज। आप खुद देखेंगे इसको, जब आप देखेंगे तो आपको खुद को पता चलेगा किस तरह से इसमें बैक का पूरा मूवमेंट होता है हमारी बॉडी में। और इसके लिए दोनों हाथों को आप जमीन पर, घुटनों को जमीन पर रख करके इस कैट की पोजिशन में आते हैं, और आर्क बनाने के लिए बॉडी में एक झोल, एक बॉडी में बैक बोन में एक तरह का वेव बनाने के लिए आप कमर को नीचे की तरफ झुकाते हैं और गर्दन को ऊपर उठाते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारी प्रशिक्षिका इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी दे रही है। इसका अभ्यास आपको इसी तरह से करना है, जब आपकी गर्दन ऊपर जा रही है तो कमर नीचे जाएगी और उस समय आपको सांस को लेना है। अब इसी का अपोजिट मूवमेंट कमर को ऊपर की तरफ उठाना है हमें, जिसे हम कहते हैं कैमल पोज। जैसे कैमल की कमर होती है ऊपर उठी हुई, वैसे आपको अपनी कमर का एक शेप बनाना है, और इस समय आपको सांस को छोड़ना है। और इस दौरान आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम देखते हैं वैसा फॉलो करते हैं लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स में हमारे क्या असर हो रहा है, उनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, ये कॉमन मिस्टेक हम सभी करते हैं। तो इसमें आपको हिप्स जॉइंट्स को, दोनों हिप्स को शोल्डर्स की तरफ और शोल्डर्स को हिप्स की तरफ हमें पुश करना है, तो पूरा एक जिसे कहते हैं हुक बनेगा बॉडी में, और हमारा जो स्टमक है उसको अंदर की तरफ सक करना है, उसको अंदर की तरफ उठाना है हमें इस आसन में। वापस इसका अभ्यास करेंगे, सांस लेते हुए गर्दन कमर ऊपर कमर नीचे, और सांस को छोड़ते हुए गर्दन अंदर और कमर ऊपर। इसका अभ्यास आप जब आप करेंगे तो कमर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और कमर दर्द से आपको निजात मिलेगी। बिल्कुल। अच्छा सर, अपने पास समय थोड़ा सा कम है, तो हमारे दर्शकों को क्या सलाह देंगे योग दिवस पे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, योग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आज की जनरेशन है, नौजवान हैं, बच्चे हैं, कोई भी है, कोई भी योग का अभ्यास जो कर रहे हैं वो सभी हैं, उनको हम यही सलाह देना चाहेंगे कि योग करने से ज़्यादा जीने की चीज़ है, उसको अपनाने की चीज़ है, उसको आत्मसात करने की चीज़ है। ऐसा ना हो कि हम योग सिर्फ योग डे पर ही करें, 21 जून आ गया मैट लेकर के हम योगा करने के लिए चले गए, बाकी एक घंटे बाद में योग भी कहीं गुम हो गया और हम भी हमारे कार्यकलापों में गुम हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। योग को अब समय आ चुका है कि हम आत्मसात करें, उसे जिएं, उसे जीवन शैली में ढालें, तो योग आपको वो चीज़ें दे सकता है जिसका आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो योग को अपनाएं, योग को पल पल जिए, हर सांस में पिए योग को, यही हम आपको सलाह देना चाहते हैं इस योग दिवस के दिन 21 जून को। सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन योग करें अब, और वसुदेव कुटुंब जो इस बात
बार की थीम है उसे अपनाएं, तभी हम सार्थक कर सकते हैं, तभी हम आपस में जुड़ सकते हैं और एक अच्छे विश्व का निर्माण कर सकते हैं। बिल्कुल, तो योग दिवस की पुनः आप सभी को बधाई और स्टूडियो आके हमारे दर्शकों के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हम उमेश शर्मा जी और ज्योति जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, हमें दीजिए याद, नमस्कार।